आगे जाके अपने पार्टनर को भी आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं आगे जाती हूँ और लोगों के सामने हूँ तो लोगों के लिए एक नया उदाहरण होता है। बधाई हो। ये फिट एंड ग्लैम पूरे राजस्थान का था, जिसमें फिट एंड ग्लैम मिसेज राजस्थान और मिस राजस्थान दोनों की थी कैटेगरी। उसमें ऑल ओवर राजस्थान से 30 कैंडिडेट चुने गए थे, जिसमें फिनाले में ओनली 16 ही पहुंचे, उनमें से मैं भी थी। और मैं राजस्थान में बाड़मेर को प्रेजेंट कर रही थी, और वैसे जोधपुर से भी मैं हूँ तो दोनों को ही प्रेजेंट कर रही थी एक्चुअली। फिर 16 कैंडिडेट के अंदर हमारे ग्रूमिंग क्लासेज हुई, उसमें भी बहुत सारे टैलेंट राउंड हुए। उन टैलेंट राउंड में निकलते हम लोग फिनाले तक पहुंचे, और उन सबका भी स्कोर होता है। और फिनाले में हमारे 3 राउंड हुए थे, उन 3 राउंड में भी जो टॉप होगा वो ही विनर रहेगा। तो उन टैलेंट राउंड में निकल के और उसके बाद फिनाले में फर्स्ट राजस्थान का फर्स्ट ये शो था जिसमें कोरोना थीम पे फर्स्ट राउंड हुआ, ताकि लोगों को अवेयर हो सके कोरोना को लेके। तो वो भी बहुत शानदार हुआ था लोगों को दिखाने के लिए कि कोरोना कितना खराब है लाइफ के लिए। तो वो हुआ, उसके बाद मैं एक शॉर्ट ड्रेस में हुआ था और एक लॉन्ग गाउन में, जो ब्यूटी प्रेजेंट में हमेशा होता है वही। तो उन सब राउंड को पार करके मेरा फिर विनर बना, मिसेज कैटेगरी में विनर बना। लॉकडाउन से पहले का रजिस्ट्रेशन था एक्चुअल में, ये फिनाले होने वाला था अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर का था 2019 में, जब कोरोना ज्यादा हो गया था। तो इसका मार्च में हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, तो मैंने तब भी अप्लाई कर लिया था, और उस टाइम लॉकडाउन की वजह से ही आगे खिसकता गया, नहीं हो पाया। जैसे ही लॉकडाउन वापस खुला और लगा कि हो सकता है, उसके बाद भी काफ़ी गाइडलाइन इसके ऊपर हमने पालन की कि क्योंकि जो डायरेक्टर है वो डॉक्टर्स हैं दोनों, जोधपुर के ही हैं, तो उन्होंने पूरी गाइडलाइन को देखते हुए कि अपन इकट्ठा कर सकते हैं नहीं कर सकते, उन सबका देखते हुए फिर उन्होंने ये पहले रखा था फेब में भी कोरोना का बहुत ज़्यादा था तो नहीं किया, फिर मार्च में उन्होंने ये डेट फिक्स की थी। उस टाइम तो पता नहीं था, उस टाइम वहाँ जब भी हो रहा था हम एकदम सन्न हो जाते कि क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें करना है जो हमें सिखाया है वो हमें करना है। तो वो कर रहे थे, अपना टैलेंट हम दिखा रहे थे, बाकी जजेस के था जो भी आए थे वो देख रहे थे, और जो उसमें बेस्ट था वो सामने था। एक्चुअल में इसमें आने का एक सबसे बड़ा कारण यही था हमारा कि बाड़मेर से ये चीज़ें अभी नहीं है, ठीक है जॉब के लिए बाड़मेर थोड़ा सा है रहता आगे है, लेकिन जैसे ये शो या फैशन की दुनिया में है तो लोग इतना एग्री नहीं करते, घर वाले एग्री नहीं करते। थोड़ा मुझे भी डर था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया तो घर में कम ही बताया, मैंने कहा करूँ नहीं करूँ, मैं खुद भी असमंजन में थी। लेकिन जब धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा घर का, और हस्बैंड ने भी कहा कि चलो एक बार ट्राई करो तुम्हारे ये है, और मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करने में, तो मेरा था कि मैं करूँ कुछ तो करूँ। तो उनसे एक चांस मांगा कि मैं देखती हूँ कि कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन जैसे जैसे ग्रूमिंग होती गई, जैसे जैसे हमें वो एक करने की एक टैलेंट है जो अंदर से बाहर निकला, हमें पता भी नहीं था कि हमारे अंदर था, वो बाहर निकलने लगा, तब लगा कि हाँ कुछ तो हमें करना चाहिए। सेकेंड ये बाड़मेर का ये था कि बाड़मेर में ये सब चीज़ें हैं नहीं, और तो उनके लिए भी जो सोचते कि ये मैजिक शो है या मॉडल्स है, पर ये मॉडल्स के लिए नहीं होता, ये ब्यूटी पेजेंट्स होता है जो आपके अंदर के हुनर को बाहर निकालता है। और मॉडल्स एक अलग जगह है, वो चीज़ अलग होती है, और ये ब्यूटी पेजेंट्स अलग होते हैं जो आप अपने क्षेत्र को प्रेजेंट करते हो। तो इसलिए मैं ये करना, क्योंकि बाड़मेर में ये सब चीज़ें हैं नहीं, और लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये एक ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग के लिए, वो नहीं फैशन की दुनिया, वो नहीं है। हम आगे जाके अपने बाड़मेर को भी आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं आगे जाती हूँ और लोगों के सामने हूँ तो लोगों के लिए एक नया उदाहरण होता है कि हाँ कुछ चेंज हम कर सकते हैं, दिखावा नहीं है, बहुत कुछ है आगे लाइफ में करने के लिए महिलाओं के लिए।
तो मैं चाहती हूँ कि बाड़मेर के लिए आगे कुछ करेंगे और कुछ नया चीज है ये, तो लोगों को भी लाएंगे आगे। तो घर वालों का रिस्पॉन्स थोड़ा शॉकिंग था कि सच में ऐसा हुआ है, पर हाँ उनको लगा कि हाँ, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसको पूरा लगन से कर लूँ, उनको मालूम है कर लिया जाएगी तो पक्का कुछ करेगी, तो उनको मालूम था हो गया। लेकिन क्राउन जब मैं लेके आई तो मेरी मदर इन लोग को दिखाया तो वो थोड़ा शौक थी कि अच्छा ऐसा भी कुछ करके आए, तो उनको पहनाया हमने, अपनी खुशी तो हुई, सबको खुशी हुई कि कुछ चेंज करके आई है। और मेन तो बाड़मेर का नाम रोशन हो गया, सबसे बड़ा ये है कि बाड़मेर में लोग जानने लगे कि ये क्षेत्र भी सही है, अच्छा है, और अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वापिस आने के बहाने कि लोगों को बहुत कुछ मतलब पता नहीं था कि लोग इतना प्यार करते हैं, इतने कह रहे कि मतलब बहुत अच्छा किया और नई चीज की है, तो हमको भी एक मिल गया कि एक आगे औरत गई है इस क्षेत्र में बाड़मेर से, तो हम भी इस चीज में कर सकते हैं। कई लोग घबरा रहे थे जो नहीं कर के करें या नहीं करें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लेकिन लोगों की चिंता और परवाह मत करो, आपके अंदर हुनर है तो आप आगे बढ़ो और करो। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, घर वालों ने भी किया, आज से तो मतलब सारी जगह है तो सब लोग आ रहे हैं और बधाइयां भी दे रहे हैं, तो घर वाले भी खुश और फ्रेंड सर्कल तो बहुत खुश है।